जय डुगर जय जम्मू में दर्शन भार्गव तुस दिखा दे एस बी कठुआ। सब तो पहले तुस सारे ही जेड़े उत्थें आतंकवादी हमले च जेड़े साढ़े लोग जेड़े शहीद आखना शहीद होए जेड़े उंदी आत्मा की शांति आस्तै ओम शांति जरूर लिखियो। अज अस पुज्जे आं ग्रां जेड़ा फलोट है डिस्ट्रिक्ट साढ़ा कठुआ है उत्थों दी खबर सुनाने कि इत्थों दे मदन लाल होर जेड़े उत्थें श्रीनगर काम कर देना तुहानू पूरी बादा सुना के पिछले कल जिहड़ा गांदरबल डिस्ट्रिक्ट कश्मीर च गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है पिंड जिहड़ा गगन गिरे जिहड़ा उत्थे पिंड है उत्थे आतंकवादियां हमला किया है जिहदे च चश्मदीद लोग जिहड़े गला दे कि दो हमलावर ने जिन्हें हमला किया है एकदम हमला करी ओड़िया ने दो शख्स जेहड़े आतंकवादी है जेहड़े जिन्हें एक ने शाल लेदा हा उन्हें अंदर गन ठोकी दी एक दूआ अगुआ एक पिछुआ दोनों फायरिंग करी दिता। कंपनी के कुछ लोग जेहड़े अपने छुट्टी करिए अपने मैसेज आवा दे तो उत्थे आतंकवादियां हमला करी ओड़िया जिहदे च अजे तक सुनिया कि 7-8 बंदे दी शहीद होई है ना जिंदे दे साढ़े कठुए दे जेहड़े ना मदन लाल होर वह घायल होए न ते मदन लाल घायल होए अज अस उंदे ग्रां पुज्जी दे आं उंदे घर पुज्जी दे आं ते उंदे घर दिखाया कि लोग बड़े कट्ठे होए और पूरे पिंड च एक किस्म दा जियां गलांदे ने आतंकवादी हमला किया एक हमला ना सुनिया लोग बड़े परेशान होंदे और उंदे पिंड च सन्नाटा छाई हा राती ते हुण अज अस उंदे ग्रां आई गए आं इत्थे फलोट आओ उत्थे गल करने आं पहले उंदे घर पुज्जी अस उंदे नाल गल करने आं। सब तो पहले इत्थे बैठे न रस्ते च लब्भी हन मेहता साहब। मेहता साहब एक मिनट थोड़ा कष्ट देवो थोड़ा जिहा जी जी मैं तो सर पहले तो थोड़ा इस बुढ़ा स्वागत है तो जियां कि राती सुनी एक खबर जी है ग्रां फलोट दे मदन लाल रोने वाले हे जेड़े श्रीनगर गगनगिरी होंदे आतंकवादियां मलाया तो की खबर है कि सुनागे उस वक्त खबर जी 8:30 बजे करीब फोन आया भी इं मसला बनी है फिर उसके बाद उस मुड़े कन्नै गल नहीं हुई मदन कन्नै बाद विच जिल्लै उसी थोड़ी होश आई उसने भी अपने घर गल कीती इं हमला होई गया उस हमले बिच जिहड़े अपने अफसर हे और मदन लाल भी जा करदे हे रोटी खाने वास्ते मैस बिच रोटी खाने वास्ते जा करदे हे जियां मैस च गे उद्धरा गै उग्रवादी पैने उत्थे छप्पे हे कुतै ते उन्हें गोली चलाना शुरू करी दी एह् अफसरें दे पिछे हा थोड़ा ते जियां गै गोली चलने दी आवाज़ आई चली ते इन भी कोशिश कीती अग्गे पिछे होने दी ते उन्हें कोई दो अफसर एह्दे उप्पर गै ढेबे गोली लगी ढेई पे तो वजह ने इहदा जिहड़ा हत्थ हा एक हत्थ अगे पिछे होया तो उस हत्थ पर उहदी गोली दे निशान जिहड़े इत्थे इहदे लगे दे ने वो गोली दे हत्थ पिछे निकली जिहदे पिछे इहदियां त्रै उंगलां जिहड़ियां दस्से करदे ने भई अजे सही नहीं हैन उह ते हुण शामी दस्से ने ऑपरेशन करना है तो उसके बाद पता लग भी की है मतलब के मदन लाल बाल बाल बचे जिंगलांदे चाकू राखे साइया मार सके ना कोई क्योंकि उत्थे शंकर चारे ते बड़ा बड़ा मंदिर है भगवान की कृपा है ये तो असं तो इ आखने भी साढ़े पिंड की लाज ये उस भगवान ने गै शिव शंकर मैं तो एक गल पूछना थोड़ा ग्रां जिहड़ा है बड़ा अच्छा पिंड है ग्रां है इत्थों ये दोवे भरा है हाँ ये दोनों भ्रा और दोनों इफो कंपनी च काम करते हे सके और काम करते यस कंपनी कोई 4 साल अच्छा उस पहले करगल बिच और कंपनी च काम करते हे इं गै मुड़ा जिहड़ा है इसी राउंड बोर्ड कोई 14-15 साल हो कंपनी काम करते जिथे भी काम करता है इलैक्ट्रीशियन का खास करिए बड़ा माहिर है ये इलैक्ट्रीशियन का काम करता है मतलब ये भ्रा हाँ निके लेइए तो निका अजे आया भी परसों है ध्यार आ वह ध्यार पर आई आ तो दूआ यह हा भी कंपनी का जोड़ा कम है ये एक हफ्ते अंदर अंदर ये खत्म होने वाला हा इन्हें कंप्लीट हो करता तो कंप्लीट होने उपर इन्हें सोचा भी चलो मैं हम हफ्ते बाद ही जागा दियाली जी घर जाइए मनागे लेकिन वो यह आस्था होया देखो आतंकवादी ना सुनिया ही है पूरे पिंड पूरा पिंड गए जी तो लागे बनने पर फोन आना शुरू होइए इंटे पिंड महा यार साढ़े पिंड की होया इतने इतने कख नहीं इतने कोई ऐसी मसला नहीं है जल्द घर फोन किया तो उतो पता लगा भी वाकई सही है फिर इंटे घर के 3 मैंबर जोड़े ने वो रातों रात उत्थे पुज चलीए और सवेरे 6 बजे उत्थे पुज्जन। अच्छा मदन लाल दी उम्र किन्नी हो गई है? उम्र इहदी कोई 59-50 साल उम्र है। हाँ हुण सवाल यह है भी उहदे बच्चे ने दो जी मां सिरा पर है जी। अच्छा हुण कोई जमीन जायदाद तो है ही नहीं है जी। ना कोई सरकारी नौकरी है तो हुण बच्चे भी पढ़े करदे देखो उसकी बेटी
ਇਹ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਘਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਮ੍ਹਾਂਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਨ ਸਪਾਟ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਸੋਹਰਾ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ੈਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਆਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਚੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮਦਰ ਲਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਫਾਦਰੀ ਹੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਕਾਲਜ ਗਏ ਦੀ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ। ਆਓ ਇਹਦੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮਾਸਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਚੇ, ਮਲਾਟੀ ਕਰਚੇ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਗਲਾਂ ਬੇਟਾ ਕੁਣ ਕੁਣ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਉਪਾਸਨਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਉਪਾਸਨਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਹੈ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਲੈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? 8:30 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਰਗ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਲੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਮੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਇਸੀ ਲਈ ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ ਤੋ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਇੱਧਰ ਛੋੜ ਦਿਆ, ਤੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਚਾਚੂ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਵੋ ਉੱਧਰ ਐਸੇ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਬ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਆਪਕੇ ਪਾਪਾ ਕੋ ਲਗੀ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਦਿਲ ਪੇ ਵੀ ਕੁਛ ਚੋਟ ਲਗੀ ਹੋਗੀ, ਕੁਛ ਹੋਗਾ ਹੈ ਕਿਆ? ਸਿਰ ਹੋਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਪੇ ਲਗਤੀ ਹੈ ਪਾਪਾ, ਹਰ ਕਿਸੀ ਐਸੇ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਬਹ ਫਿਰ ਆਪ ਕਾਲਜ ਗਏ ਹੋ ਪੜ੍ਹਨੇ? ਜੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੋ ਇਸੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨਕੋ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਪੜ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇਸੀ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣੇ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਣ ਆਈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਈਏ ਆਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਕਾ ਕੌਨ ਸਾ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ, ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਹਮੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੌਨ ਸਾ ਬੇਟਾ? ਆਪ ਕਿਤਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਗਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਕੀ ਫੋਟੋ ਕੌਨ ਸੀ? ਇਹ ਲਾਈਕ ਕਮ ਹੈ ਇਸਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖੋ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਲਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਇਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘਰ ਆਉਣ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਈ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਮਿਸੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਰਾਧਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ 8:30 ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਤੋ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਫੋਨ ਉਠਾਇਆ ਉੱਧਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ, ਉਸਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੇਂ ਹੈ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਰ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ ਡੋਗਰਵਾਦੀਆਂ ਸੇ। ਅਤੇ ਦੇਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਭਲਾ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਦੋ ਉਗਰਵਾਦੀ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਧਰ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਦੇਰ ਨੇ ਉੱਧਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤ, ਵੀ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸੀ ਵਕਤ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ, ਦੇਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਚਾਚਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗਿਆ ਥਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਧਰ। ਕੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਉਨਕੋ, ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹੱਥ ਕੋਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਨੇ ਬਾਕੀ? ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਲਿਆ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਅਲਾ ਸੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੀ, 9 ਵਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਧਰ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਸਵੇਰੇ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ
गोली लगी तो गुरबादी अमला किता चलो उंदी पत्नी जेड़ी है लाड़ी जेड़ी उन्हें बर्त रखे दा सच्चे मन कन्नै रब ने भी उंदी सुन ली और बचा हुई है बचा हुई है उंदी माता जी हुण एक गल होर है उंदी जिहड़ी छोटी भरजाई ने जिंदे हस्बैंड इसलै उंदा पता करन गए दे ने ब्रदर दा पता करन गए दे ने हॉस्पिटल सोरा तां उंदे कन्नै गल करचै क्योंकि उन्ने जिहड़े मदन लाल दे छोटे भरा हे उन्ने पूरी गल राती अपनी पत्नी जिहड़ी है उन्ने सुनाई ही केह गल होई किन्ने बजे गल होई केह होया ओह पूरी गल उन्ने सुनाई है आओ उंदे नाल गल करने जिहड़ी उंदी देवरानी है मतलब छोटी भरजाई जी है उन्दे नाल गलबात करने आओ एक मिनट सामने हो जी पहला तुम नमस्ते दसगे तुहाडे पति जो रेंज ले फोन आया उन्दे नाल गलबात हुई उन्हें के सुनाया तुहानू उन्होंने बस ये सुनाया कि मैं दीदी ने बोलिया कि जाओ छत पर दिखो कि चंद्रमा निकले दादे दीदी चलिए ते मैं फिर ये फोन करा दे बार बार फोन करी आ दे हे बाहर जा दे फोन करते करते ते मैं बोलिया कि हूँ चंद्रमा निकले अल्ला है अर्ग उर्ग देना सा रोटी रट्टी खानी ते तुसी बाहर नहीं जायो बोले कोई गल नहीं मैं खा लैना मम्मी बार बार बोलन मेरी सस होने कि तुस रोटी खाओ रोटी कैनी खाने ते बार बार फोन करन ते मिगी कुछ शक जेहा आया ते मैं इंदे कोल आई अंदर मैं पुछया महां केह गल होई दी सच सनाओ वीर की बोला दे कि भैया की लूज मोशन होई गेदा है मैं आखिया नहीं होनी है कुछ गल होर है मिगी सनाओ बोलदे अहें गल केह सनानी उधर ना ओह फायरिंग होई दी ते भैया होंदे ना बोला दे हत्थ च लग्गी दी है एह नहीं पता कि पूरा फ्रैक्चर होए दा हत्थ जां नहीं कुछ इ'यां पूरा पता नहीं है ते फिर मैं अंदर आई दीदी बोली रोटी पाई नहीं है मैं रोटी खाओ खाओ ते मैं आखिया खाई लैन्ने फिर सारे इ'यां परेशान होए दीदी भी पता चली गया फिर मम्मी भी सारे मतलब कि पूरे घर च पता लगे साढ़े पूरे चाचा चूचा सारे आई गे साढ़े घर च पुछन कि केह् गल होई केह् नहीं होई फिर असें अर्ग उर्ग देई दित्ता उमां ते फिर चलो माता रानी ने गै कुतै गौरी मैया ने साढ़ू कीता ऐ नहीं ते अस कुत्थै हिन्ने साढ़ी घर थोड़ी हिन्नी कि ओह् भगवान दी तरफा कुतै होई जाए चलो जान बची गई शुक्र ऐ अच्छा तुहाडे हुण जेहड़े हस्बैंड जेहड़े उंदे छोटे भरा ओह इसलै उंदे कोल हॉस्पिटल पुज्जी गए हां जी ओह हुण केह सुना दे कि की कुत्थे कुत्थे लग्गी दे हुण उन्हें मैं ओही फोन कीता ओह बोले कि हुण मैं उंदे कोल हॉस्पिटल गेदे ऐ ते उंदे हत्थ च लग्गी दी है ते दो उंगलां बोला दे कि थोड़ियां ठीक है बाकी पूरी पट्टी होई दी है हुण उन्हें अंदर नहीं जान दित्ता उन्हें बोले जेल्लै पट्टी खुल्लग ओह दिखगन अपनी अक्खी कन्नै फिर पता चलना कि पूरे के हत्थ पूरा फ्रैक्चर है नहीं है केह् ओह्दा ओह बोला दे कि सर्जरी होनी हत्थ दी हुण अज ही होई जानी है चार बंदे मतलब कि पांच बंदे दी उत्थे लगी दी चार दी सर्जरी होनी है एक बड़ा वो है सीरियस है हां जी ते इन्हें सुनाया होना कि उसलै के गल होई जिल्लै घर उधर मैसी रोटी खान जा दे हैं जां के गल हां जी ओ पता के जिसलै जियां ड्यूटी पर आए ओ आया मतलब कि गड्डी बस दे सिर्फ पैर ही रखिया ते फायरिंग शुरू होई गई ते भैया बोला दे कि उन इयां लगा दा कि भाई ने शाल लेदा उप्पर ते गन लेदी ही ते जियां गोलियां हवा च गै बरसाई दियां ते भैया चला दे उन्हां उंदा हत्थ दे बिचा टच होई गया गोली बाहर निकली ही ते ओ डरे पिछे छप्पिये गड्डी दे पिछे बड़ी गए ते तां बचा होई गया शुक्र ओ माता रानी ने शुक्र बचा कर दिता ध्याड़ीदार ने अस सारे गरीब परिवार है साड़ी ज्यादा ज्यादा मदद होनी चाहिए बस इको कंपनी का हां जी दो छे दिन पहले गया छुट्टी आए हे चार साल कंपनी लगे अठ महीने हो गए हां जी मेरे हसबैंड अठ महीने बाद आए घर छुट्टी हां जी देखो जी एफओ कंपनी लगे थे दोनों भरा बड़ा भ्रा पहले उत्थे लगे दे छोटे भ्रा ही नाल लेइयै दोवें कम उत्थे करदे हे लेकिन छोटे भ्रा जेहड़े ओह छुट्टी लेइयै घर आए दे क्योंकि करवाचौथ दा बरत हा लेकिन बड़े भ्रा ने निक्के भ्रा ही भेजी ओड़ेआ आपूं उत्थे रेह कम करदे रेह और ओह जेहड़ी कल जेहड़ी ऐसी वारदात होई है जिहदे च
मदन लाल और थोड़े घायल होइए ना। चलो रब दा शुक्र है। और खासकर साढ़े डोगरे लोग ना बड़े अच्छे लोग न, डोगरे लोग माता भैन जेहड़ियां दिक्खो जियां व्रत रखे दा ना, सच्चे मन नाल व्रत रखे दा, ते भगवान ने सुन लई है और उनके पति देव जेहड़े ओह बाल बाल बचिए खाली हत्थे लगी है और जख्मी होए ना। ऐसे जिला प्रशासन और एल जी जां नवीं सरकार जिहड़ी साडी बनी है, उमर साहब की सरकार बनी है, उन्हें अगर अपील करने कि दोनों भरा इनकी कोई जमीन नहीं है, इनकी सिर्फ कम करते प्राइवेट इलैक्ट्रिशन का कम करते ना, वह भी इन्नी दूर घरों छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे छोड़िए इतों सिरनगर कम करा दे ना, ते उत्थे घायल होइए ना, तो कम से कम उनकी मदद जी बिल्कुल की जाए। तुम देखते रहो एस बी कठुआ।